हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी कि एग्जाम में जाने से पहले यदि आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हो हिंदी का पेपर, तो आपको ये प्रूफ पता चल जाएगा कि आप कितने समय में कर पा रहे हो। इसमें 90 मिनट दिया हुआ है तो आपको टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ते पढ़ते एग्जाम देते देते ये फाइनल एग्जाम में आपको इस चीज की समस्या ना हो कि टाइम नहीं बचा या फिर क्या क्या चीज आ सकती थी भूल गए, तो इसलिए आपको ये सारी प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में जाने से पहले, और अच्छे से पढ़ना है कि क्या करना है। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, आपका निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आप ये गद्यांश पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आंसर करेंगे। तो गद्यांश में दिया हुआ है कि व्यायाम कई प्रकार के हो सकते हैं, खेल कूद कवायद दंड बैठक जिम्नास्ट, ये आप सारा पढ़ के फिर क्वेश्चन करेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप अपने हिसाब से आपको इसको पढ़ के क्या समझ में आया अपना खुद का शीर्षक लिखिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ, वैसे व्यायाम स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, व्यायाम के लाभ, व्यायाम मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप क्या समझ रहे हो इससे वो लिखना ज्यादा बेहतर है। इसमें क्या होता है, आपके एप्टीट्यूड चेक होता है कि आप किस चीज को किस पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से देखते हो, तो इसलिए ये जो इसका शीर्षक होता है वो अपने हिसाब से लिखना चाहिए, ठीक है। फिर है कि व्यायाम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो आपको इसी में से लिखना है कि व्यायाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खेल कूद यहाँ से आपको दिया गया ना, तो आप इतना ये आंसर लिख सकते हो, कई प्रकार के हो सकते हैं ये सारे, ठीक है। खेल कूद कवायद दंड बैठक जिम्नास्टिक योगाभ्यास दौड़ तैराकी, ठीक है, ये सब क्या है, व्यायाम के प्रकार है। फिर क्वेश्चन है कि खेल में भाग लेने से क्या क्या लाभ है, तो खेल में भाग लेने से एक तो आपके किशोर अवस्था खेलों में, तो इससे इसमें न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त रहता है अपितु मिलजुल कर काम करने की भावना का भी विकास होता है, तो ये खेल के लाभ है कि इससे शरीर फुर्तीला रहता है और मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता है। फिर है कि विद्यालय में प्राय कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं, तो विद्यालय में फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, खो खो आदि खेल सभी विद्यालय में खिलाए जाते हैं। तो उसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ व्यायाम से बालक बालिकाओं का क्या लाभ होता है, तो दौड़ व्यायाम से शरीर का निचला मध्य भाग, यानी कि ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, शरीर के निचले भाग की मांसपेशियां मजबूत होती है, बालक बालिकाओं के लिए दौड़ना एक बहुत उपयोगी व्यायाम है। तो दौड़ने से क्या होता है, आपके शरीर की नीचे की हिस्से की मांसपेशियां, निचले और मध्य भाग की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपने अपनी राम कथा बालराम कथा है जो वो पढ़ी होगी, लेकिन ये तो बालराम कथा का नहीं है, सॉरी ये आपकी बसंत का ही है, पुरतैनिक सी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डग द्वय, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद फिर आपको इसके भी क्वेश्चन आंसर करना है, यह प्रश्न किस समय का है, तो यह प्रश्न है कि पुरतैनिक सी रघुवीर वध, यानी भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी जब बन जा रहे होते हैं उस समय का ये आपका प्रसंग है। फिर है नगर से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई, तो नगर से निकलते ही क्या हो गई उनकी दशा, वो बहुत सुकुमार थी इसलिए बहुत जल्दी थक गई, ठीक है। फिर है सीता ने राम से क्या पूछा, तो सीता ने राम से पूछा यहाँ पे, फिर पूजत है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करिहो के तह, यानी कि अभी और कितना चलना है और कहाँ पे आप अपनी पर्ण कुटी बनाएंगे, ठीक है। फिर है कि राम की आंखों से आंसू क्यों बहने लगे, तो तियकी लथी आतुरता पियकी अखि अत्यचार चली जलच, तो सीता जी की आतुरता देखकर, क्योंकि वो इतनी परेशान हो चुकी थी, भगवान राम को बहुत दुख हुआ कि और उन्हें उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर है आतुरता और चारों शब्दों के अर्थ लिखिए, तो आतुरता यानी कि उत्सुकता मतलब जल्दी से कहाँ पहुंचना है, और चारू का मतलब होता है सुंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड बा,
ये पाठ्य पुस्तक और पुस्तक जो दोनों ही पुस्तक है बालराम कथा और बसंत, उन दोनों के क्वेश्चन आंसर है। फिर निम्नलिखित इनमें आपको आंसर देना है, आपने अपनी बुक पढ़ी होगी तो आपको याद होंगे कि राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा पानी लाने के लिए, तो वो पानी लेने चले गए और वे खुद बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है। तो आपके चैप्टर में एक कविता है कि सबसे छोटी हूँ, बुक में सॉरी, तो उसमें सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि इसमें क्या है, हमेशा माँ का साथ बना रहता है और किसी भी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, टेंशन फ्री जीवन होता है, इसलिए छोटे होने की कल्पना की गई है। आश्रम के काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। तो आपने याद किया होगा, चैप्टर पढ़ा होगा नौकर वाला, तो उसमें गांधी जी क्या करते थे, पहले खुद सारे कामों को करते थे तो उन्हें देख के फिर बाकी लोग भी सारे काम करते थे, तो वो यही तरीका अपनाते थे। फिर है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इसका क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन आपके लोकगीत चैप्टर से है, वहाँ लोकगीत का मतलब सारे देशों में क्या है ये बताया गया है कि जो लोकगीत हैं वो सारे देशों के लोकल लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो सभी की अपनी अपनी विशेषता है, तो सभी क्या है अपने अपने देश के विद्यापति हैं, तो इस यही इस वाक्य का अर्थ है। फिर है कि बांस को बूढ़ा कब कहा जा सकता है, बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती। तो बांस जो है वो 3 वर्ष का हो जाता है तब इसे बूढ़ा कहा जाता है और ये आसानी से टूट जाता है, बूढ़ा होने पे सूख जाता है, तो यही इसकी, और जो कि युवा बांस में विशेषता नहीं होती, ये वाली विशेषता युवा बांस में नहीं पाई जाती है। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हनुमान लंका को देखकर चकित क्यों हो गए। तो हनुमान लंका की भव्यता को देखकर, क्योंकि वो सोने की बनी हुई थी तो उसको देखकर चकित हो गए। फिर है कि नंदीग्राम में राम का स्वागत किस प्रकार हुआ। तो नंदीग्राम में भगवान राम का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। फिर नेक्स्ट आपका खंड गा आ जाता है कि निम्नलिखित में से 10 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ आपको 10 से ज्यादा प्रश्न दिए हुए हैं और आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला शब्द है कि मिठास एक भाववाचक संज्ञा है और इसी तरह भाववाचक संज्ञा के 2-2 उदाहरण लिखना है। तो मिठास की तरह आप खटास लिख सकते हैं, मीठे जिसमें मीठा और मिठास जो है वो भाववाचक है, या फिर भोलापन लिख सकते हैं, भोलापन, बुढ़ापा, तो ये सभी क्या है भाववाचक संज्ञा, इनमें भाव आ रहे हैं, इसमें मीठे का भाव आ रहा है, उसमें भोलेपन का आ रहा है और खटास का आ रहा है, इस तरह आप 2-4 जितने भी उदाहरण लिख सकते हैं। फिर है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, अवधि और अवधि। अवधि क्या है, ये अवधि तो समय, इसको हम समय, जैसे आपका एग्जाम पेपर कितनी अवधि का है, 90 मिनट का है ना, तो 90 मिनट इस पेपर को करने के लिए आपको अवधि दी गई है, और जो ये वाली अवधि, ठीक है, ये क्या है 90 मिनट की अवधि है, और ये अवधि बड़ी ही मात्रा है, तो ये क्या है, ये भगवान राम की भाषा थी, यानी कि अयोध्या में जो भाषा बोली जाती है वो अवधि होती है। फिर है कि चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़कर चमकीला शब्द बना है, तो इला प्रत्यय जोड़कर आपको 2 और शब्द बनाने हैं, तो आप इस तरह से जैसे पथरीला, भड़कीला, नुकीला, ठीक है, ये शब्द बना सकते हैं। अब दिन एवं जय शब्दों की विलोम यानी विपरीत, तो दिन का रात होता है, जय का पराजय होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकगीत में लोक शब्द को जोड़कर बनाया गया है, आप सभी लोक शब्द को जोड़कर 2-2 और उदाहरण लिखने हैं। तो हमें लोक शब्द को जोड़कर, जैसे लोकतंत्र है, लोकप्रिय है, इस तरह से और उदाहरण लिख देने हैं मिला के। फिर नेक्स्ट है कि रोपना एवं सिंचाई संज्ञा शब्द है, बताइए कि किन क्रियाओं से बने हैं। तो सॉरी, रुपाई और सिंचाई, या रुपाई और सिंचाई क्या है, संज्ञा शब्द है, तो इनमें क्रिया क्या हो रही है, इसमें रुपाई हो रही है, ये रोपना शब्द की जब क्रिया बनती है तो उसको रुपाई बोलते हैं, तो ये रोपना है और ये सींचना यानी कि सिंचाई,
ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनकी लिंग पहचान कर लिखना है, रोशनी और चक्की, तो ये दोनों ही स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो ये दोनों ही स्त्रीलिंग है। फिर है लकी एवं धर शब्द अवधि भाषा के हैं, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो लकी का अर्थ होता है, लकी मतलब देखना होता है, सी की लकी आतुरता पी की है ना, लकी मतलब देखकर, और धरी का मतलब होता है धारणा या धारण करना। आपको पता होगा भगवान कृष्ण को गिरिधर कहा जाता है क्योंकि वो अपने उंगली पर गिरी को यानी कि पर्वत को धारण करते हैं, तो धरी का मतलब होता है धरना, ठीक है, अवधि में इनको धरना कहते हैं, धरी का मतलब धरना और लकी का मतलब देखना। अब है निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, स्नेह और प्रेम। तो आप कह सकते हैं कि छोटों के लिए हमारे मन में स्नेह होना चाहिए, उनके साथ हमें प्रेम से रहना चाहिए। आप दो अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर है कि 12 मास जो गीत है, साल में 12 महीनों का वर्णन होता है, आप भी दिन अंकों से जुड़े दो सार्थक शब्द बनाइए। तो 12 मासा में क्या है, 12 और मासा दो अलग अलग शब्द है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, एक तारा या फिर चौराहा या तिराहा, आपको जो भी समझ आए बना सकते हैं, ठीक है। आवश्यक शब्द में अन उपसर्ग को जोड़कर अनावश्यक शब्द बनाया गया है, असफल और अनुचित शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो इनमें सफल में आ जोड़ दिया गया है और उचित में अन जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से आपका अनुचित बन गया है। तो अन और अन में नीचे हलंत लगाना ना भूलें, ठीक है, अन और ये तो सिर्फ आ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तर शब्द के दो से ज्यादा अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा एक शब्द सोचकर उसके वाक्य बनाइए जिसके दो दो अर्थ निकलते हों। तो यहाँ उत्तर का मतलब दिशा भी होता है, ठीक है, और आंसर भी होता है। तो आप अपने मन से, जैसे हार शब्द है, ठीक है, तो हार का मतलब गले में पहना जाने वाला आभूषण भी होता है, और हार का मतलब पराजय भी होता है। तो आप उन्हें उनके वाक्य बना सकते हैं कि उसके गले का हार बहुत सुंदर लग रहा है, या दो दो शब्द बनाने हैं एक शब्द सोचकर, तो हार के ही दो शब्द आपको बनाने हैं, ठीक है। हाथ और पैर फूलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए, इसका अर्थ होता है डर जाना या घबरा जाना। फिर आपका नेक्स्ट है, अभी थोड़ा सा और है, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अमृत का जो विलोम शब्द है वो लिखना है, तो अमृत का विलोम होता है विष, जहर या विष, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दो बार जन्म लेने वाला वाक्यांश का लिए एक शब्द लिखना है, तो दो बार जन्म लेता है उसको बोलते हैं द्विज। जो ब्राह्मण होता है वो जन्म लेने के बाद जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तब वो द्विज बन जाता है, यानी कि दो बार जन्म लेने वाला। पर्वत के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो पर्वत को हम गिरी कहते हैं और शैल कहते हैं, ठीक है, तो ये तो पर्यायवाची हो गए। फिर है सही वर्तनी वाले, तो ये अमृत जो है वो सही वर्तनी वाला है, ये गलत है, ठीक है। राम ने भरत को, अब यहाँ हमें नीचे दिया गया है भरत, तो सीधे से समझ में आ रहा है भरत से गले नहीं लगाया जाता है, भरत को गले लगाया, तो यहाँ इसका सेंटर वाला ऑप्शन सही है। फिर आपका रचनात्मक लेख आ जाता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अनुच्छेद, तो अनुच्छेद तो आपको याद करना है अपने मन से समझ के, आप इसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी, तो वो आपको खुद ही लिखना है, वो यहाँ मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो आप लेकिन विषय चूज कर सकते हैं, चाहे 26 जनवरी पे लिख दो, और संकेत भी दिए गए हैं कि आप इन टॉपिक, मतलब उस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें आनी चाहिए, भूमिका आनी चाहिए, क्यों मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस का महत्व होना चाहिए, कैसे मनाया जाता है, और निष्कर्ष लास्ट में। फिर है जल की महत्व, मतलब आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और जो आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट, उसके बाद आपका पेपर खत्म हो जाता है, और बस इतना ही दिया गया है, लेकिन कभी कभी लेटर भी पूछ देते हैं पत्र, तो आप उसको भी प्रिपेयर करके जाएं, इस पेपर में आपके में एग्जाम पेपर में पत्र भी पूछा जा सकता है, बधाई पत्र हो सकता है, या फिर कोई भी आप एक लेटर प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका एग्जाम में 100% मार्क्स आने का चांस है, और आएंगे ही आएंगे।
तो थैंक यू सो मच।